हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा और मैं हर्ष शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की पाइथन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा स्ट्रक्चर आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आगे जाके आपका काफी ज्यादा यूज होता है। क्लास 12 के अंदर इसको थोड़ा सा टफ माना जाता है, वैसे इतना टफ है नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं और इसमें से जनरली क्वेश्चन का जो स्कोप है वो भी काफी कम रहता है क्लास 12 के अंदर। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर से पहले हमें पता करना पड़ेगा डेटा क्या होता है। डेटा मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉ फैक्ट फिगर, ठीक है, डेटा में पता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अब डेटा को स्टोर करने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर कि डेटा को अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं, अगर उसको टेबल्स में ग्राफ्स की फॉर्म में करते हैं तो वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सिमिलरली डेटा को स्टोर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमें एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, उन सबका अगर मेरे को डेटा स्टोर करना है तो उसको करने का क्या तरीका है? तो पहला तरीका तो क्या है कि मैं डायरेक्टली उन्हें स्टोर कर दूँ, जो बच्चे का नाम आ रहा है या फिर जो बच्चा पहले आ रहा है उसका नाम डाल दूँ और फिर उसकी सारी डिटेल डाल दूँ। दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है कि जिस हिसाब से क्लासेस बटी हुई है मैं उस हिसाब से सब बच्चों को डिवाइड कर दूँ उसके अंदर। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों का डेटा एक ब्लॉक के अंदर रख दिया, सेकंड क्लास के बच्चों का डेटा एक ब्लॉक के अंदर, एंड सो ऑन। सो ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा को स्टोर करने से क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन उसकी काफी ज्यादा इजी हो जाती है। मतलब कि जैसे डेटा को स्टोर करना, अब डेटा स्ट्रक्चर्ड हो चुका है तो उसको स्टोर करना इजी हो जाता है और इस डेटा को समझना भी इजी हो जाता है क्योंकि वो एक पैटर्न के अंदर स्टोर है। डेटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है, डेटा को मैनिपुलेट करना इजी हो जाता है, ठीक है, डेटा को जो भी हम यूज कर सकते हैं, ओवरऑल जो हमें अपने डेटा को इंप्लीमेंट करना है वो हमारा एफिशिएंट हो जाता है उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर बनाने में। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए, आगे पढ़ते हैं किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब हमारे कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे लीनियर और एक होते हैं हमारे नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर क्या है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, यानी कि सिंगल डायमेंशनल कह सकते हो, सारा का सारा सीधा ही रहेगा। इसका एक एग्जांपल हमारा क्या रहता है, स्टैक। स्टैक आगे पढ़ेंगे वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यूज पढ़ेंगे, क्यू भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली हमारी जो लिंक लिस्ट होती है वो भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो लीनियरली स्टोर होता है या फिर कह सकते हैं सिंगल डायमेंशनली स्टोर होता है। बट हमारे फिर आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री हमारा जो होता है वो लीनियर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर एक लीनियर फ्लो के अंदर हमारा डेटा नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, तो ये हमारा क्या रहता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिमिलरली हमारा ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी पॉइंट्स अलग अलग कनेक्टेड होते हैं, एक लीनियर वे में स्टोर नहीं होते। तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे दो टाइप के हो गए, एक हो गया लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर हमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, इसको आप कॉलेज लेवल में पढ़ोगे, हमें पढ़ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले एक बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा लीनियर लिस्ट एरेज। अब ये हमने पढ़ रखा है, कहां पढ़ा था, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर पढ़ा था। अब जिन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन नहीं पढ़ा मैं उन्हें बताया था एरेज क्या होता है। जैसे हमारी लिस्ट होती है वैसी हमारी एरेज होती है, बस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, एरे के अंदर हम कोई एक ही डेटा टाइप डालेंगे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या तो हम उसके अंदर सारे नंबर डाल देंगे, सारे कैरेक्टर डाल देंगे, जो भी होना चाहिए सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। तो एरे की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक नेम्ड लिस्ट है फाइनाइट नंबर की, ठीक है, वो हमारी लेंथ दे देंगे हम जितनी भी हमें चाहिए, और उसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, या तो सारे हमारे इंटीजर हो या सारे कैरेक्टर हो, जो भी है, ठीक है। अब एरेज हमारी अलग अलग डायमेंशन की हो सकती है, पहली होगी हमारी वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमारी दिख रही है, इसके अंदर एक ही डायमेंशन के अंदर स्टोर है, डायमेंशन हमारी क्या हो गई, या फिर कह सकते हैं कि एक रो के अंदर ही हमारा सारा डेटा स्टोर है। अगर हम इसके अंदर कॉलम भी इंट्रोड्यूस कर दें, यानी कि हमारी एरे कुछ इस तरीके से बन जाए कि यहाँ पर हमारी एक एरे है, फिर उसके नीचे एरे एरे, और ये एक ही एरे के अंदर है, ठीक है, हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे होती है। तो इसके अंदर हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, 0, 1, 2, 3, इसके अंदर हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ये हो गया 0, 0, ये हो गया 0, 1, 0, 2, ये हो गया 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, 1, 2, 2। सिमिलर इसके अंदर हम ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं, ये हमारी हो जाती है टू डायमेंशनल एरे। अगर मैं इसको थ्री डायमेंशनल बनाना चाहूँ तो ऐसी हमें इसके आगे एक लेयर ऐड कर देंगे थ्री डायमेंशनल, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, 0, 0, ये हो जाएगा 0, 0, 1, 0, 0, 2, और ऐसे करके हम अपनी मर्जी से कितने भी डायमेंशन बना सकते हैं, उसके हिसाब से हमारी एरे बनती जाएगी। तो हमें बेसिक वन डायमेंशन ही करना है, टू डायमेंशन भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब एरे हम वही यूज़ करते हैं जहाँ हमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ठीक है। अब मोस्टली एरेज के काम हम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, बट एरेज को हम नंपाई के थ्रू यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर करा था, और एरेज से काफ़ी सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर आता है स्टैक्स। अब स्टैक्स क्या होता है, जैसा हमारे नाम से पता चल रहा है, स्टैक मतलब कि जैसे एक गड्डी होती है, या फिर बोल सकते हैं इसके अंदर सामान एक के ऊपर एक रखा होता है, उस हिसाब से हम डेटा को स्टोर करेंगे। स्टैक के अंदर क्या होता है, हम एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर रखते हैं। मतलब क्या है, अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को कि एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट क्या करना है, कुछ नहीं होता। स्टैक को बस हम क्या करते हैं, लिस्ट की तरह ही रखेंगे, बस उसको इंप्लीमेंट अलग तरीके से करेंगे। इंप्लीमेंट मतलब लिस्ट के अंदर जैसे हम एक्सटेंड, अपेंड, डिलीट, रिमूव एलिमेंट कुछ भी कर सकते थे ना, सेम हम एक लिस्ट लेंगे बट उसके अंदर ये सब नहीं करेंगे। लिस्ट के लिए हम अपने आप अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे, यानी कि एक लिस्ट है, मान लो लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, अब हम इसको मान के चलेंगे कि ये ऐसे सीधे ना होकर ऐसे, ठीक है, स्टैक को हम इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट के थ्रू। तो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग लिस्ट। सो लिस्ट के थ्रू हमने इसको मान लिया कि ऐसे रखा हुआ है, यहाँ 1 रखा है, यहाँ 2 रखा है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ 1 रखा है, यहाँ 2 रखा है, 3, 4 और 5, ठीक है, ऐसे करके हमारा डेटा रखा हुआ है। और इसके अंदर और स्टैक के अंदर जो हमारा टेक्निक यूज होती है वो होती है हमारी लीफो टेक्निक। लीफो मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो डेटा हम इसके अंदर कैसे रखेंगे, पहले हमने 1 रखा, फिर हमने 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, जैसे हम नॉर्मली बुक्स को रख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो सबसे लास्ट में हम रखते हैं ना, जैसे हमने लास्ट में 5 रखा था, उठाते वक्त वो सबसे पहले होगा। सिमिलरली हम मानेंगे कि अगर हमने ऐसे करके 5 बुक रखी है, तो जो बुक हम लास्ट में ऊपर रखेंगे
उसको सबसे पहले उठाना पड़ेगा हमें अगर ये स्टैक है एक, और स्टैक के अंदर हम नीचे वाली बुक्स को छेड़ नहीं सकते, ठीक है। तो होता क्या है कि हम सिर्फ ऊपर वाली बुक को ही छेड़ सकते हैं, और यहाँ पर बुक हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे हमारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है वो हमारा। सो स्टैक के अंदर क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एक लिस्ट को ऐसे मान के चलेंगे और उस लिस्ट के बाकी एलिमेंट्स को हम कुछ कर नहीं सकते, हमें बस ये पता है कि उसमें टॉप है, ठीक है। तो स्टैक के अंदर हमेशा हम एक टॉप को मान के चलेंगे, और वो टॉप क्या होगा, जो लास्ट में आया होगा, और जब निकालना होगा तो उस टॉप को ही निकालेंगे। सो अगर मान लो मेरे को इसके अंदर से थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो लिस्ट में तो क्या करता मैं, लिस्ट में मैं इसके इंडेक्स से बुला लेता, जैसे 0, 1, 2, 3 इंडेक्स होंगे, तो मेरे को अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं ज़्यादा इसको सेकंड इंडेक्स से बुला लेता। बट स्टैक के अंदर कैसे बुलाएंगे, हम ये वाली बुक उठाएंगे, ये हट जाएगी, फिर ये वाली बुक उठाएंगे, ये हट जाएगी, फिर ये वाली बुक उठाएंगे, ठीक है। तो स्टैक का वही है लीफो टेक्निक, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में बुक आएगी वो फर्स्ट में बाहर निकलेगी। तो अगर इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज देखें तो इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि कोई एलिमेंट इसके अंदर डाल रहे हैं, यानी कोई बुक रख रहे हैं, या फिर कोई एलिमेंट इसमें से निकाल रहे हैं, या फिर बुक उठा रहे हैं, वो हमारी हमेशा टॉप पे होगी, नीचे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, लास्ट बुक चाहिए, तो मेरे को पहले ये हटाना पड़ेगा, फिर हट जाएगा, तो फिर मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ये हट जाएगा, फिर ये हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे, और लास्ट में जाकर इस बुक तक पहुंचेंगे। तो स्टैक को पूरी तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, जब तक के लिए हम दूसरा डेटा सिस्टम देखते हैं। दूसरा होता है हमारा लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट जैसा नाम से पता चल रहा है कि एक लिस्ट होती है, और इसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। इसके अंदर हम डेटा को डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, एक लिस्ट के अंदर हम अपनी खुद की एक लिस्ट बनाते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब हमें इसके अंदर जैसे हमारा डेटा है उसके साथ एक चीज और स्टोर करनी पड़ती है। अब ऐसे करके दो दो डेटा को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं कोई भी एक चंक, ठीक है, और उस चंक को हम जनरली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर्स के थ्रू या फिर क्लासेस के थ्रू। तो पाइथन के अंदर हम इसको क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। अब क्लास वैसे तो हमें पढ़नी नहीं है क्लास 12th के अंदर, बट मैं आपको बता देता हूँ, क्लास के अंदर हम दो एलिमेंट्स रखेंगे, एक रखेंगे हमारा डेटा वाला एलिमेंट और एक हम रखेंगे अपना एड्रेस वाला एलिमेंट। यानी कि अभी एक चंक बन चुका है क्लास नाम का, इसके अंदर दो दो चीज़ें स्टोर रहेंगी, एक रहेगा डेटा, दूसरा रहेगा एड्रेस। एड्रेस किस चीज़ का, सो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला होता है हमारा डेटा और दूसरा होता है एड्रेस, और एड्रेस होता है हमारा नेक्स्ट वाले एलिमेंट का, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट वाले चंक का जो हमारी क्लास है। तो हम क्या करेंगे, एक डेटा है और उसी डेटा के साथ हमने नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो ये एड्रेस स्टोर करना, यानी क्या कहते हैं इसको, पॉइंट करना, तो ये किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। उस लोकेशन पे क्या स्टोर है, वहां पर एक दूसरा डेटा है और एक एड्रेस है, और वो एड्रेस किसका होगा, वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट का होगा, ठीक है, वो तो यानी उसको पॉइंट कर रहा है। वहां पर भी ऐसी एक एड्रेस होगा, वो किसी को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें क्या है, ये एक लिंक्ड लिस्ट है, यानी कि हर एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है, उससे सारी चीजें लिंक्ड रहती हैं। तो अगर मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है, मेरे को फोर्थ एलिमेंट के पास जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले मैं जो फर्स्ट में एड्रेस है उस पर जाऊंगा, फिर जहाँ मैं गया उस पर जो एड्रेस है उस पर जाऊंगा, फिर जहाँ मैं गया अब उस पर जो एड्रेस है उस पर मैं जाऊंगा, तो मैं लास्ट वाले एलिमेंट पहुँच जाऊंगा, ठीक है। और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट है, ये कहीं भी पॉइंट नहीं करता, तो ये हम बोल देते हैं कि हमारा पॉइंट कर रहा है इस वक्त नल को। ये होती है हमारी लिंक्ड लिस्ट, यानी कि जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। तो अब इसके अंदर हमारा फायदा क्या होता है, सो जैसे हमारी एक बेसिक सी लिस्ट है, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके अंदर से मान लो मुझे 3 को डिलीट करना है, तो हमारी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो क्या रहती है, पहले हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर 1 और 2 डालते हैं, और जैसी 3 की बारी आती है उसको डालते ही नहीं है, फिर उसके अंदर हम 4 और 5 डाल देते हैं, और पुरानी वाली लिस्ट का नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारा एक लंबा मेथड रहता है। हम तो बस नॉर्मली क्या करते हैं, l.remove3 हमारे लिए वो एक लाइन का स्टेप है, बट असलियत में कंप्यूटर के लिए काफ़ी लंबा स्टेप रहता है। तो लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं हमारी एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ऐसे करके एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे ऐसे करके 5 एलिमेंट्स हैं। अब मान लो मेरे को इसके अंदर से थर्ड वाला एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले के अंदर जो एड्रेस है वो थर्ड वाले का है ना, तो मैं सेकंड वाले के अंदर थर्ड वाले की जगह फोर्थ वाले का एड्रेस डाल दूंगा। सो अब अगर देखें हम कैसे आगे बढ़ते थे, पहले फर्स्ट में जिसका एड्रेस है उस पर जाते थे, फिर सेकंड में जिसका एड्रेस है उस पर जाते थे। तो सेकंड का एड्रेस देखो डायरेक्ट हमें कहाँ लेकर जा रहा है, हमें डायरेक्ट फोर्थ पर ले गया, ठीक है, और फोर्थ का एड्रेस हमें फिफ्थ पर लग गया। तो अगर हम एक लिस्ट को देखेंगे, फर्स्ट से सेकंड पर गए, सेकंड से थर्ड पर यहाँ गए हैं, तो एक तरह से ये अपना डिलीट अपने आप ही डिलीट हो गया, क्योंकि अब इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। सो यहाँ पर ही हमारा वन स्टेप हो जाता है, जस्ट हम एड्रेस चेंज करते हैं और हमारी लिस्ट बदल जाती है। सो ऐसे काफी सारे ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट के अंदर कर सकते हैं जो हमारे इजी हो जाते हैं जस्ट इस एड्रेस वाली प्रॉपर्टी की वजह से। बाकी लिंक लिस्ट आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। लिंक लिस्ट के बाद हमारा आता है एक ट्रीज। ट्रीज के अंदर क्या होता है, ये हमारा लिंक लिस्ट की तरह होता है। जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है, ट्री के अंदर हर एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स का एड्रेस स्टोर करके रखता है। अब नीचे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जैसे 4 है तो 4 के साथ 3 एड्रेस स्टोर होंगे, एक 1 का, 5 का और 2 का, ठीक है। अब 1 और 2 के पास किसी का एड्रेस नहीं है, 2 के पास किसके एड्रेस है, 1 और 2 के, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपका एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉलेज में अच्छे से पढ़ना, बहुत स्कोप होता है इसके अंदर। अब जो मैंने आपको एक चंक बताया था जिसके अंदर एक डेटा है और एक एड्रेस है, कंप्यूटर साइंस में हम इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं एक नोड। यानी कि अगर हम बोले ऊपर लिंक लिस्ट में जाएं तो ये हमारी एक नोड है जो एक अगली नोड को पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ये एक नोड है और ये अगली नोड को पॉइंट कर रही है। और स्टेट में देखें तो इस नोड के अंदर क्या है, एक डेटा है और एक एड्रेस है। एड्रेस किसका, नेक्स्ट नोड का। उस नोड में क्या है, एक डेटा और एड्रेस है, किसका, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसके अंदर नल है, ठीक है। तो अब से हम नोड वर्ड यूज़ करेंगे।
तो सिमिलरली ट्री के अंदर क्या होता है, हर नोड अपने से नीचे वाली नोड्स का एड्रेस स्टोर करके रखती है। सो इसके अंदर जो ऊपर वाली नोड्स है इनको हम बोल देते हैं कि हमारी पेरेंट नोड है, और इसके नीचे जो है यानी जिनका एड्रेस स्टोर करके बैठा है उनको हम अपनी चाइल्ड नोड बुला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की चाइल्ड नोड है 1502 और 2 की चाइल्ड नोड है 102। तो बाकी आपको डिटेल में कॉलेज में पढ़ना है आपको एडवांस लेवल में। अब हम जरा ये देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या क्या हरकतें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इंसर्शन, यानी कि जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक नया डेटा एलिमेंट ऐड करना, या फिर बोल सकते हैं कि एक नई नोड ऐड करना। ठीक है, तो जैसे हमारा एक स्टैक है उसके अंदर मेरे को एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा उसके ऊपर एक नया एलिमेंट ऐड कर दूंगा। हमारा ट्री है, ट्री के अंदर मेरे को एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा जिसका भी मेरे को उसका चाइल्ड बनाना है उसके नीचे उसको ऐड कर दूंगा। लिंक लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा जो भी मेरे को है उसका एड्रेस उस लास्ट वाली नोड में डाल दूंगा, या फिर बीच में से अगर मेरे को किसी पर डालना है तो उस पर डाल दूंगा। ठीक है, यानी अगर मेरे को कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे नॉर्मल लिस्ट के अंदर मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ, इंसर्ट अपेंड एक्सटेंड यूज करके कर सकता हूँ, लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर मेरे को कस्टमली खुद करना पड़ेगा। दूसरा होता है हमारा डिलीशन, यानी कोई भी डेटा एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, तो ट्री के अंदर से कोई एलिमेंट उड़ा दिया, लिस्ट में से उड़ा दिया, या फिर हमारे स्टैक में से कोई एलिमेंट हटाना है, ये होता है हमारा डिलीशन। सर्चिंग, कोई भी हमें डेटा ढूंढना, ये तो हमारे बेसिक ऑपरेशन है जो हमें डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर करनी पड़ेंगे। तो इंसर्शन यानी कोई डेटा हमें ऐड करना है, कोई डेटा उड़ाना है, या कोई डेटा सर्च करना है कि एलिमेंट कहाँ पर स्टोर है। ट्रैवर्सल यानी हम पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर चल पाएं, जैसे हम लिस्ट के अंदर चलते थे ना उसके अंदर, तो डायरेक्ट हम एक लूप के थ्रू चल सकते हैं। सिमिलरली डिक्शनरी टपल इनके अंदर एक लूप के थ्रू चल सकते हैं, हमें इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी चलना पड़ेगा। बट इनके अंदर एक सिंपल लूप काम नहीं करेगा क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच से उसके अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं। सॉर्टिंग, हमें उस डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट करना आना चाहिए। सॉर्टिंग से हमें पता है कितनी हेल्प होती है, वो सॉर्ट वाली वीडियो में आपको बता रखा था, काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को ढूंढना सर्च करना। सो अगर हम एक डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट कर पा रहे हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब अगेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट अप्रोच रहेगी सॉर्ट करने की। एक लिस्ट को सॉर्ट करना वाले बहुत ईजी होता है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट कुछ भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं। बट वहीं अगर एक ट्री को सॉर्ट करना है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल है, उसके अंदर कोई सीज़न नहीं लगेगा। वहीं अगर मेरे को एक स्टैक को सॉर्ट करना है, अब स्टैक के अंदर तो मैं सिर्फ टॉप से उठा सकता हूँ, टॉप से उठाओ निकालो फिर कोई छोटा है उसे डालो, तो ये अलग अलग अप्रोचेज रहेंगी हमारी सॉर्टिंग की। और लास्ट हमारा आता है मर्ज करना। मर्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान लो आपने एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, आपने उसके अंदर काफ़ी एफिशिएंट तरीके से डेटा को स्टोर कर रखा है, बट अगर मेरे पास वैसे ही एक और डेटा स्ट्रक्चर है तो मैं इन दोनों को मर्ज करना आना चाहिए कि मैं कंबाइंड डेटा स्ट्रक्चर बना पाऊँ। तो हमारे ऑपरेशन है, इसके अंदर बेसिक हमारे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल हम पढ़ेंगे, सॉर्टिंग और मर्जिंग आपको बाद में पढ़नी है। ठीक है, तो जब हम ये ऑपरेशन कर लेंगे उसके बाद आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करना होता है। सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपना स्टैक। सो स्टैक में आपको बता देता कैसे होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके अंदर मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमेशा हमारा एलिमेंट ऐसे टॉप पे आ रहा होता है, और अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए तो हमें उसे टॉप से ही उठाना पड़ता है। चाहे मेरे को थर्ड एलिमेंट चाहिए, चाहे मेरे को फोर्थ एलिमेंट चाहिए, मेरे को पहले टॉप हटा हटा कर उस तक पहुंचना पड़ेगा, मैं इसको साइड से नहीं छेड़ सकता। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी बेसिकली ओपनिंग होती है वो ऊपर ही होती है। सो इस रीजन से हमें इसके अंदर एक टॉप को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट चाहिए तो पहले मैं टॉप को हटाऊंगा और अपने नेक्स्ट वाले को टॉप बना दूंगा, क्योंकि अगर ये हट गया तो मेरा ये टॉप बन गया, फिर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरा ये टॉप बन गया, और फिर मैं इसको निकालूंगा और ये मेरा मिल गया मेरे को थर्ड। अगर मेरे को सिमिलरली फिफ्थ चाहिए तो मैं इसको भी निकालूंगा, अब मेरा ये टॉप बन गया, फिर मैं इसको निकालूंगा, मेरा ये टॉप बन गया, और फिर मैं इसको बाहर निकाल के शो कर लूँगा। तो इसके अंदर जो भी प्रोसीजर होते हैं वो हमारे सारे टॉप से होते हैं, और इंसर्शन डिलीशन सब टॉप पे ही होता है। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे इस लिस्ट में इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा एक स्टैक है एस नाम का, और इसके अंदर एक 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसके अंदर 4 को इंसर्ट करा। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मैंने इसके अंदर 4 को पुश करा। पुश करना मतलब होता है कि मैंने इसके ऊपर से एलिमेंट डाल दिया, इसके अंदर बोल सकते हैं ऊपर से एलिमेंट पुश करा है। सो 5 था, इसके ऊपर मैंने क्या करा, पुश 4, तो 4 इसके अंदर आ गया ऊपर। एक तरह से बोल सकते हैं कि 4 अब टॉप बन गया, पहले 5 टॉप था। फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने कर दिया पुश 7, तो अब ऊपर 7 आ गया। तो पहले 5 और 4 थे, अब इसके अंदर एक 7 भी इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ से मैंने 7 को निकाला है। तो 7 को बाहर निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, 7 को बाहर निकालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पॉप। एक तरह से पॉप करा देना 7 को बाहर। तो मैंने पॉप 7 करा, तो 7 बाहर निकल गया, और अब मेरा 4 वापस टॉप बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने करा पुश 8, तो 8 पुश हो गया और वो हमारा टॉप बन गया। उसके बाद मैंने करा पुश 13, तो 13 पुश हुआ और वो हमारा टॉप बन गया। उसके बाद मैंने पीक करा। पीक में मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप के ऊपर जस्ट वैल्यू देखता हूँ, ना इंसर्ट ना डिलीट, मैं देख के आता हूँ क्या वैल्यू है। सो मैं अगर यहाँ पे पीक करता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा कि वहाँ पर 13 था। तो अगर मैं करता हूँ लाइक आर इजकस टू पीक एस, तो एस के अंदर से मैंने पीक करा तो आर के अंदर क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, उसके बाद मैंने करा पॉप 13, यानी 13 बाहर निकाल दिया, अब 8 टॉप बन गया। अगेन मैंने पीक करा तो मेरे को 8 मिलेगा उसके अंदर रिटर्न होके। फिर मैंने 8 को पॉप करा दिया तो 8 बाहर निकल गया, वापस 4 हमारा टॉप बन गया। फिर मैंने 4 को ही पॉप करा दिया तो हमारा वापस टॉप हमारा 5 बन गया। तो इसके अंदर हम बेसिक एलिमेंट्स को ऐड और डिलीट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बस पुश और पॉप की हेल्प से। तो जब भी मेरे कोई एलिमेंट डालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, पुश। सो पुश 4 करूंगा तो इसके अंदर 4 डल जाएगा ऊपर से, और आप देख रहे हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ही हो रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में 13 लास्ट में आया था, और जब हमने पॉप करा तो 13 सबसे पहले निकला। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो 5 सबसे पहले आया था,
लेकिन 5 कभी निकला ही नहीं, वो एकदम एंड में जाके निकलेगा। सो लास्ट में जो इन होता है वो हमारा सबसे पहले आउट हो जाता है। यहाँ पर 7 लास्ट में आया था, सबसे पहले आउट हो गया। यहाँ 13 लास्ट में आया था, तो यहाँ पर सबसे पहले आउट हो गया। तो कुछ और एग्जांपल से भी देखते हैं इसके अंदर कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टैक ये बन चुका था। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने पुश 3 कर दिया, तो हमारा 3 टॉप बन गया और ऊपर आ गया हमारा 3। अब इसके बाद क्या करा, मैंने कुछ और पुश कराने की कोशिश करी, मान लो पुश 7 कराने की कोशिश करी, बट ये जो हमारा स्टैक था इसकी लेंथ हमने लिमिट कर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ओवरफ्लो का केस हो गया, यानी कि अब इसके अंदर हम और कुछ डाल नहीं सकते। तो ये होता है हमारा ओवरफ्लो, यानी कि जब हम स्टैक की लेंथ से ज्यादा उसके अंदर एलिमेंट डालना चाहें। ये उसी केस में हो सकता है जब हम स्टैक की लेंथ को लिमिट करके चले। मोस्टली केस में क्या करते हैं, स्टैक को हम ओपन एंडेड रखते हैं, यानी इसके अंदर जितने मर्जी डालते रहो हमारा टॉप ऊपर बढ़ता जाता है। बट अगर मैं स्टैक की लेंथ को लिमिट करके रखूं तो उस केस में मैं कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स ही डाल सकता हूं। तो यहां पर लास्ट वाले केस में ओवरफ्लो हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने पॉप कराया, 3 को पॉप करा दिया, तो हमारा 13 टॉप बन गया। फिर मैंने 13 को पॉप करा दिया, फिर मैंने 8 को पॉप करा दिया, सिमिलरली 4 को पॉप करा दिया, लास्ट में आके मैंने 5 को भी पॉप करा दिया। और उसके बाद अगर मैं दोबारा पॉप कराने की कोशिश करूंगा तो अब क्या होगा, इस केस में तो स्टैक ऑलरेडी खाली है और मैं इसके अंदर से कुछ पॉप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाला केस हमारा हो जाता है अंडरफ्लो का केस, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, मैं जब भी उसको पॉप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और यहाँ पर मेरे को इन्हें बताना नहीं पड़ता कि मेरे को कौन सा एलिमेंट पॉप कराना है, क्योंकि पॉप हमेशा टॉप ही होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको हटा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जब भी हम पॉप करा रहे तो अपने आप जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो रिमूव हो जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टैक के अंदर टॉप के थ्रू चलते हैं, तो हमेशा इसके अंदर जो इंसर्ट हो रहा है वो भी हमारा टॉप पे जा रहा है, और जब हमारा पॉप हो रहा है तो टॉप ही पॉप हो रहा है हमारा, ठीक है, टॉप पॉप हो रहा है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप पॉप टॉप पॉप टॉप पॉप टॉप पॉप एंड टॉप पॉप, ठीक है। सो टॉप से ही हमारा इंसर्ट होता है और टॉप ही हमारा पॉप होता है। तो स्टैक को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर बनाएंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो अभी कोड के थ्रू भी देखेंगे कैसे होता है। तो पहले मैं फंक्शन बताता हूँ क्या क्या बनाने वाले हैं। पहला होगा इज एम्प्टी। इस फंक्शन से हम चेक करेंगे कि जो हमारा स्टैक है क्या वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। स्टैक है क्या, ये एस है क्या, असलियत में तो लिस्ट ही है, एक एस नाम की एक लिस्ट है, बस हम उसको डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम एस डॉट अपेंड या एस के कोई एलिमेंट को ऐसे कुछ नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा स्टैक है और इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, अपने फंक्शंस के थ्रू। तो पहला फंक्शन है हमारा इज एम्प्टी, यानी ये हमारा चेक करेगा कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। फिर हमारा पुश फंक्शन अभी हमने देख लिया। तो मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, स्टैक डाल रहा हूँ और जो आइटम मेरे को इसके अंदर पुश करनी है, तो एस स्टैक के अंदर मेरे को आई पुश करना है, तो मैं पुश ऐसा ही लिख दूंगा। इज एम्प्टी में मैं एस डाल रहा था, यानी मैं एस स्टैक को चेक कर रहा था वो एम्प्टी है कि नहीं। पॉप एस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एस स्टैक में से पॉप करा रहा हूँ, पॉप क्या होगा टॉप। फोर्थ फंक्शन हमारा पीक, पीक के अंदर मैं क्या करता था, टॉप के ऊपर क्या वैल्यू है वो देख के आता था। सो पीक यानी एस स्टैक को पीक करना है, यानी एस के अंदर टॉप पर क्या वैल्यू है वो चेक करनी है। सो फिफ्थ फंक्शन हमारा डिस्प्ले एस, तो एस हमारा स्टैक है उसको पूरा डिस्प्ले कराना है। तो अगर मेरे को पूरे स्टैक के अंदर क्या क्या वैल्यूज है वो दिखानी है, तो मैं डिस्प्ले फंक्शन यूज करूंगा। सो इन 5 फंक्शन के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टैक पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक एस नाम का कुछ भी लिस्ट बनाता हूं और उसको फिर मैं इस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूं, अपने हिसाब से मैं उसमें कुछ पुश करा सकता हूं, कुछ पॉप करा सकता हूं, पीक कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं एम्प्टी है कि नहीं, उसको टाइम टू टाइम डिस्प्ले भी कर सकता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें स्टैक का जो टॉप है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और अगर हमारा स्टैक खाली होगा तो हम टॉप को नन बना दिया करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वहां पे हम सारा कोड करेंगे स्टैक को इंप्लीमेंट करने का, और कोडिंग का ही क्वेश्चन आता है स्टैक और क्यू के अंदर से एक। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्ट कोड करेंगे कि कैसे स्टैक को इंप्लीमेंट कराया जाता है। अगर आपको कोड नहीं आता तो आपका 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन छूट जाएगा स्टैक और क्यू का। सो नेक्स्ट वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पूरी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अब आपकी इंप्लीमेंटेशन डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन आपकी काफी बड़ी होती है, बट इंप्लीमेंट से आप ये सीख जाओगे कि स्टैक को हमें यूज कैसे करना है, और वही यूज फिर हम आगे क्वेश्चन में कर रहे होंगे। तो बाकी इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।